हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, यह हमारा आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। देखो, इस तरीके से आपको ये रेड कलर का बटन आपको शो करेगा सब्सक्राइब का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके ऑल में आपको क्लिक कर देना है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब भी आप स्टडी करें तो कोशिश करें कि हमारे प्लेलिस्ट में पहुंचे। अगर आप होम पे भी आएंगे तो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट दिखेगी। नीचे की तरफ आपको जाना है इग्नू बीकॉम न्यू में। बीकॉम न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोज की प्लेलिस्ट दिख जाएंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में डिफरेंस का। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला डिफरेंस क्या है। सो इट इज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग। हायर परचेज एग्रीमेंट का जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि ये एक एग्रीमेंट होता है हायरिंग का, वेयर एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो एग्रीमेंट होता है वो सेल का एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं आपको देता हूँ। एप्पल का फोन आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा तो वो एक एग्जाम्पल है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। लेकिन आपने सपोज कोई गाड़ी खरीदी जिसको आपने हायरिंग यू नो परचेज सिस्टम में खरीदी है, जहां पे ये कहा गया है कि जब आप अपने पैसे का पूरा पेमेंट कर दोगे तो वो गाड़ी आपके नाम पे हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो ये एग्रीमेंट होता है हायरिंग का और ये होता है सेल का। दूसरा है द बायर गेट्स ओनली द पोजीशन ऑफ गुड्स ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हायर परचेज में क्या होता है कि आपको गुड्स की जो पोजीशन है वो आप जैसे ही लाइक एक तरीके से आप अपना एग्रीमेंट साइन करते हो आपको जो है उसकी पोजीशन दे दी जाती है। द बायर गेट्स ओनली द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ द साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सिर्फ आपको पोजीशन मिल रहा है, आपको एक तरीके से सामान नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी तरफ द बायर गेट्स पोजीशन ऑन साइनिंग, अरे यार इसको तो मैं क्या करूं। ओके, सो द बायर गेट्स पोजीशन ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप जैसे ही आप एक तरीके से साइन कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट का, वो सामान आपको मिल जा रहा है, राइट? दूसरा, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द गुड्स कैन बी रीप्रोसेस्ड। ठीक है, अगर डिफॉल्ट किसी भी तरह का हो जाता है, अगर आप पैसे को पेमेंट नहीं कर पाते हो तो गुड्स को रीप्रोसेस किया जा सकता है, मतलब गुड्स जो है आपसे वापस भी लिया जा सकता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। द गुड्स कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर आप एक बार पैसा नहीं भी दे पाते हो तो गुड्स जो है आपसे वापस नहीं छीना जाता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऐसा होता है कि आपको जो है सामान जो है वो छीन लिया जाता है। चौथा नंबर पॉइंट का डिफरेंस है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द पेमेंट मेड अप टू द इन केस ऑफ डिफॉल्ट रुक जाओ जरा सा इन केस ऑफ डिफॉल्ट द पेमेंट मेड अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज फॉरफिटेड एंड ट्रीटेड एज हायर चार्ज। है ना, तो सपोज आप डिफॉल्ट करते हो हायर परचेज सिस्टम के तहत, आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, आप डिफॉल्ट कर जाते हो, पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उस केस में जितने भी पैसे आपने उस टाइम तक पेमेंट किया था वो सारे के सारे पैसों को फॉरफिट कर दिया जाएगा, कंपनी जब्त कर लेगी और उसको एज ए हायर चार्ज उसको ट्रीट करेगी। मतलब सपोज 18,000 रुपए आप हर महीने दे रहे हो तो 18,000 रुपए अगर किसी महीने आप देना भूल गए तो उस केस में जो आप 18,000 रुपए हर महीने पे कर रहे थे वो एज ए रेंट, ठीक है ना, आपने हायर किया था उसके लिए आप रेंट पे कर रहे थे 18,000 रुपए, उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। The payment made up to the date of default is a payment towards the price of the asset and cannot be forfeited. Installment payment system में ऐसा नहीं होता। अगर आप payment नहीं कर पाते हो तो उसको forfeit नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने asset के बदले price किया payment करा है, ठीक है, तो उसको forfeit नहीं किया जा सकता। The seller can at the most sue the buyer for the amount due. ज्यादा से ज्यादा जो सेलर है वो आपको कोर्ट में खसीट सकता है, कोर्ट केस आपके ऊपर कर सकता है कि आपने पेमेंट अभी तक नहीं करा है तो आप अपना पेमेंट सारा क्लियर करो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के तहत। लेकिन उस पैसे को फॉरफिट नहीं किया जा सकता, जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ये अथॉरिटी होती है उनके पास कि वो पैसे को जब्त कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट है हायर परचेज सिस्टम का, द बायर कैन नॉट सेल, डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर, डैमेज और प्लेज द गुड्स। ठीक है ना, इस केस में, हायर परचेज के केस में जो बायर होता है वो उस सामान को, चूंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया है, वो उस सामान को ना ही बेच सकता है
ना ही उसको बर्बाद कर सकता है, ना ही उसको ट्रांसफर कर सकता है, ना ही उसको किसी तरह का डैमेज पहुंचा सकता है, और ना ही वो उसको प्लेज कर सकता है कि आपने उसको प्लेज करके कुछ पैसे आप उसके बदले ले लो, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो है हायर परचेस सिस्टम के तहत नहीं होती हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। बायर सेल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और गुड्स को प्लेज भी कर सकता है। सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है ये, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, तो इसको पूरा देखना, अच्छे से समझना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक भी ये बातें पहुंच पाए और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।